से लगाएगा अपर सर्किट, तांडव होगा, 20% भागेगा। सर क्या आप सिर्फ एक दिन के लिए ही मार्केट में आए हो कि आपको सिर्फ अपना मंडे मंडे देखना है या रिजल्ट आने के बाद? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर पेटीएम की, और बात करेंगे सर पावर सेक्टर की। रिलायंस पावर हो गया सर, जेपी पावर, अडानी पावर, टाटा पावर, सारे के सारे इस न्यूज़ के अंदर आ जाते हैं सर। तो न्यूज़ पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि न्यूज़ ही आगे का जो आपको एक आकलन है ना वो बता देती है। तो इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक चीज़ बता दूं मैं सर कि रिजल्ट आते ही या कुछ अच्छी न्यूज आते ही आपको ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें कह दिया जाता है कि मंडे से मारेगा यूसी, मंडे से लगाएगा अपर सर्किट, तांडव होगा, 20% भागेगा। सर क्या आप सिर्फ एक दिन के लिए ही मार्केट में आए हो कि आपको सिर्फ अपना मंडे मंडे देखना है या रिजल्ट आने के बाद तुरंत अगले दिन कुछ अच्छा देखना है? तो सर ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना आओ। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एक दिन वाली वीडियो देखकर आपकी नॉलेज ना बिल्कुल बेकार हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, मजबूती से ही मार्केट में पैसा कमाया जाता है। जो अपने शेयरों को होल्ड करने की ताकत को अच्छा कर लेता है ना, प्रोग्रेस कर लेता है ना, वो बताता है कि आगे आने वाला जमाना आपका होगा। मैं आपको बता दूं तो आज से 20% भागेगा, मंडे उछलेगा, मंडे तांडव कर देगा, पकड़ लो फिर नहीं मौका मिलेगा, सब में मौका मिलेगा। मैं आपको बता दूं कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जिसमें आपको मौका नहीं मिल सकता। ध्यान रखना, जिसमें आपको मौका नहीं मिलेगा ऐसा कोई शेयर आज तक हुआ ही नहीं है। मैं आपको बता दूं सब में मौका मिल जाएगा तो, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर संयम और ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो आपको एक दिन में करोड़पति बनाना चाह रही हैं उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं जब तक आप ये नहीं करोगे ना, उलझे रहोगे, हर बार मंडे आएगा, हर बार ट्यूसडे आएगा, हर बार फ्राइडे आएगा, हर बार कोई ना कोई सा दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आपको उछाल तो मिलेगा और गिरावट भी मिलेगी। तो इनको साइड में करके ही अपनी दृष्टि बनानी पड़ेगी। तो बात करते हैं पेटीएम की, और पेटीएम का शेयर सर आईपीओ के बाद से इतना नीचे, मैंने एक वीडियो भी बनाई है जाकर देख लेना। मैंने कहा था सर कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, आईपीओ से लगता है। क्यों? क्योंकि आईपीओ के लालच में हमने अपने पैसों को बहुत ज़्यादा डुबा दिया है। डर लगता है कि कहीं हमने जो आईपीओ लिया वो बस उस दिन से नीचे गिरने में शुरू हो जाए। जोमैटो ने भी ऐसा कर दिया आपके साथ, और आपको पेटीएम में भी ऐसा धोखा मिल चुका है, और IRFC का जो शेयर है वो भी आपको इस तरह से धोखा दे रहा है। फिर बता दूं आईपीओ लेने से पहले अपने को मजबूत करना हमें पड़ेगा। मेरी वीडियो जाकर देख लो, मैंने बनाई थी, एक ही वीडियो LIC में बना रखी है, जाकर आपको देखना है, कमेंट भी आप उसमें कर सकते हो। तो बात करते हैं सर पेटीएम की, और पेटीएम के जो CEO और MD हैं उनको दोबारे से पेटीएम ने सर 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत पेटीएम में डाल रहा है। दोबारे से विजय शेखर शर्मा को नियुक्त कर दिया है, इसके लिए ही उनको दोबारे से 5 साल की जो पेटीएम की कमान है ना वो संभालने के लिए दे दी है सर। देखो सर, ये शेयर आपको ज़्यादा आगे मिलेगा, लेकिन इसके अंदर सर क्या है ना, 90% तो रिटेलर ही बैठ गए हैं शेयरों को लेकर दिसंबर 2021 तक सर, और थोड़े से इसके अंदर FIs हैं, थोड़े से इसमें म्यूचुअल फंड वाले हैं। तो सारे के सारे इसके अंदर रिटेलर्स हैं, और जिस शेयर में रिटेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं ना उस शेयर का ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है सर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनकी एक सहायक कंपनी भी है 997 कम्युनिकेशन सर, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि पेटीएम ने अपने ऋण देने वाले व्यवसाय के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर जो ऋण वितरण की है उसकी उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का वार्षिक रन रेट सर कायम कर लिया है। तो ये भी कितनी एक पॉजिटिव न्यूज आपको देखने को मिल रही है कि जिस कंपनी में सर इतना ज़्यादा काम हो रहा है और आपको वो शेयर बहुत नीचे की तरफ मिल रहा है, तो आपको इस बात से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि इन्होंने जो अपना काम कर दिया है, वार्षिक रन रेट को इतना 20,000 करोड़ रुपये पहुँचा दिया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत आपको आगे के लिए दे रहा है सर। इनका सर पेटीएम डिवाइस सर 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है, ये भी आपको सोचना चाहिए सर। देखो सर, इस शेयर में
टाइम जरूर लगेगा। जिस तरह से पेटीएम सर इस तरह से काम कर रहा है ना, तो आईपीओ तो चलो आया था जब इन्होंने आईपीओ निकाला उससे बात ये बहुत शेयर नीचे की तरफ है, लेकिन जिस तरह से इनकी सेल हो रही है काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आगे जाकर हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे। सर एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे जैसे इस शेयर मार्केट में और लोग आते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा भी और आपका भी माइंड को और ज़्यादा चलाना संभव हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी अपने माइंड को हल्का मत करो, तेज चलाओ। ज़्यादा मार्केट में अपने माइंड को चलाना पड़ेगा और कम हमें काम शेयर मार्केट में करना पड़ेगा। इस बात से आपको बिल्कुल वाकिफ होना चाहिए। जब तक कि आप एक शेयर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे तब तक के उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस आपने किसी के कहने पे शेयर ले लिया ना तो वो आपको धोखा ही देकर जरूर जाएगा। ये बात आपको कहीं लिखनी चाहिए, मैं आपको बता दूं सर। तो बात करते हैं सर पावर की, और पावर की बात मैं क्यों कह रहा हूं सर कि जिस तरह से पावर में कटौतियां होती जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं और काम काज भी ठप सा होता जा रहा है, सारी की सारी जो चीज़ें होती जा रही हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको कोयले से कमी से होती जा रही है। आपको बता दूं जेपी पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया या आपका टाटा अडानी पावर हो गया, सब में क्या अच्छे संकेत अब इस न्यूज़ के द्वारा मिल रहे हैं। अगर बात इस बात की है कि बिजली उत्पादन है ना 2022 में सर डबल हो गया है, जहां ये पिछले साल मई 2021 में आधा था उसका ये डबल हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब इस बारे में बैठक चल रही है कि जिस तरह से कोयला शॉर्ट हो रहा है परिवहन में और आने में और आयाती कोयले में, किस तरह की जो सुविधा होगी, किस तरह से हितकारी वो कंपनियों के लिए सरकार हो सकती है, मंत्रालय हो सकता है, उसमें वो गहन विचार कर रहे हैं। सर ये आज की न्यूज है जो आपको आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव संकेत देकर जाएगी। सर देखो सर, बिजली जो है हमारी वो डबल हो रही है और बिजली जो लेने वाले जो लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता हो रही है, तो इसे देखते हुए जो भी कोयले का भंडार होगा, जिस तरह से भी कोयले में कमी आ रही है उसको सरकार पूरा करने के लिए बैठक कर रही है, ये है एक पॉजिटिव संकेत। सर देखो सर, मैं आपको बता दूं जिस तरह से भी कोई भी न्यूज आती है वो सारे शेयरों के लिए हो जाती है जिस सेक्टर की वो न्यूज होती है, तो पावर सेक्टर की एक न्यूज निकलकर जो आ रही है मैंने आपको बता दिया कि मई में इन्होंने डबल कर दिया है और आगे जाकर और ज्यादा करने की उम्मीद बन रही है। फिर भी बोल रहा हूं किसी भी शेयरों को लेने से पहले उसकी न्यूज को पढ़ना, उसके हर चीज को देखना आपको आना चाहिए। बेकार में ही शेयरों को लेकर फिर फंस जाओ, फिर लॉस में निकल जाओ, ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो चाहे जेपी पावर हो, ये भी अच्छे संकेत इस न्यूज़ से मिल रहे हैं, रिलायंस पावर हो इसके भी संकेत इससे अच्छे मिल रहे हैं, और टाटा पावर अडानी पावर चलो बड़े लेवल की कंपनियां हो गई हैं जिनको तो सर सबसे पहले ही अगर कोयला भी होगा तो इनको ही दिया जाएगा क्योंकि ये बड़े लेवल कंपनी पर ज़्यादा पैसा होता है। सर तो मैं आपको बता दूं सरकार अब लग गई है कोयले की शॉर्टेज जो हो रही थी, उसकी कमी हो रही थी, उसको किस तरह से पूरा करना है, और जिस तरह से इन्होंने बिजली को डबल कर दिया है उत्पादन में, तो कहीं ना कहीं आने वाला जमाना पावर का होने वाला है, मैं आपको एक बार बता दूं। तो सर पेटीएम में भी हल्की सी नज़र अपनी रख लीजिए, उसमें तो लंबा समय लगेगा, और पावर सेक्टर में तो आपको आने वाले दिनों में अच्छी सी धूम मिलने के एक जो क्लू है वो मिलते जा रहे हैं। सर तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।